हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग। आप सब कैसे हैं? होप कि सब अच्छे होंगे। तो मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग आज फिर घर के काम से ही हुई है। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठ के मैं सबसे पहले छत पे गई, थोड़ी सी टहली वहाँ पे। उसके बाद मैंने छत को साफ़ किया और ऊपर वाला जो रूम था उसको साफ़ किया। तो ऊपर का काम मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ नीचे आके इधर मैंने पहले झाड़ू लगाई, फिर मैं पोछा लगा रही थी। और आज जो काम था मेन, वो भी मैंने किया। वो काम क्या था कि जो घर के पीछे जो स्पेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट हो गए थे, तो उनको हटाना था। और मुझे कई दिनों से टाइम नहीं लग रहा था, तो आज मैं सुबह उठी और प्रव्या के पास अक्षय सो रहे थे, तो मैंने यहाँ से जितने भी प्लांट थे यहाँ पे सबको हटा दिया। अभी जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्लांट लगे हुए थे, उन सबको मैंने हटाया। फिर अच्छे से यहाँ पे इसको क्लीन किया और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई, तो ये अच्छे से साफ़ हो गया था अब। और ये कपड़े मैंने रात को धोए थे जो यहाँ पे सूख रहे हैं, और कुछ कपड़े ऊपर छत पर थे। और ये यहाँ पे ऐसे 9 o'clock के बहुत ज़्यादा प्लांट लगे हुए थे, तो मैंने इनको नहीं उखाड़ा। मेरे पास बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, मैं इनको उनमें लगा दूँगी। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी इसको साफ़ करने का, फाइनली आज मैंने इसको साफ़ कर दिया, तो मैं अब चैन से रहूँगी। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद बस कुछ ही बर्तन थे, तो मैंने उनको भी साफ़ कर दिया था। और मेरा जो काम था बहुत ही जल्दी आज हो गया था। और मैं जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो उसके बाद इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे जो भी ये जो लगे हुए हैं नल वगैरह, इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और इससे क्या होता है कि किचन साफ़ रहता है और आपका काम भी नहीं बढ़ता, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो जब मेरा सारा काम हो गया था उसके बाद मैं बेडरूम में गई, तो मैंने देखा प्रव्या उठी हुई थी। और ये उठते ही सबसे पहले बेड के यहाँ बैठ जाती है और बहुत देर तक ऐसे ही खेलती है, मस्ती करती है। और ये पापा पापा बोल रही है। इसने पापा जब से बोलना स्टार्ट किया है या सीखा है, बस ये पूरा दिन पापा पापा की रट लगाए रहती है। पूरा दिन रहती मेरे साथ है, लेकिन नाम हमेशा पापा का ही लेती है, हमेशा पापा को ही याद करती है। तो मैंने संडे को सफाई की थी, दिवाली आने वाली है। मैं सुबह 5 बजे लगी थी और लगातार रात के 9 बजे तक मैंने पूरे घर की सफाई कर दी थी, लेकिन ये सफाई मुझे भारी पड़ी। मैं मंडे को बीमार हो गई थी, मुझे फीवर था और वीकनेस फील हो रही थी क्योंकि मैंने कल बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। तो उसके बाद मैं 1 घंटा सो गई। और यहाँ पे प्रव्या खेल रही है और ये देखो इसका बैग टांगने का स्टाइल सबसे अलग है। ये पूरा दिन ऐसे ही करती है, कॉपी उठा लेती है, इस बैग को टांग लेती है और टीचर बन के घूमती है। इसको देख के मुझे बस दो ही बातें जो है मेरे दिमाग में आती है, या तो ये पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार बनेगी या बिल्कुल ये पढ़ाई में नील बनेगी। तो सुबह के बैच वाले स्टूडेंट जब जा रहे थे तो ये उनका पीछा कर रही थी डाटा कर रहे के लिए, और अब ये चलने लगी है। तो बस ये सीधा वहाँ मेन गेट पे मुझे खड़ी मिलती है और अब ये सीढ़ियों पे भी चढ़ जाती है, इसलिए मैंने इसका रास्ता ब्लॉक करने के लिए जो ये पीछे दिखाई दिए थे आपको, ये मैंने 2 कंटेनर रखे हुए हैं ताकि ये ऊपर ना चढ़ सके। तो आज मैं पहनूंगी ये वाला सूट,
ये बिल्कुल सिंपल है और डेली वियर का ही है, तो मैं ज़्यादा पार्टी वियर नहीं लेके आई, ना मेरे से पहने जाते हैं, मुझे सिंपल सूट ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज मैं ये वाला वियर करूँगी, इसको पहनने के बाद ही पता चलेगा इसका पूरा लुक क्या रहेगा। हाँ, तो इसको पहनने के बाद कुछ ऐसा लुक आया है और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। बस इयररिंग्स डालने हैं मुझे और हाथों में चूड़ियाँ डालनी हैं। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाली क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और बस अब मैं जल्दी से रेडी होके और कथा कह लेती हूँ। वाले कमरे में ही मैंने रखा है, जहाँ पे मैंने करवा चौथ की पूजा की थी वहीं पे मैं अब अष्टमी का भी पूजन वहीं पे करूँगी। तो जब ध्रुव तारा निकल गया था तो मैंने पानी दे दिया था 8 बजे, लेकिन मैं उसके बाद अपना कंटिन्यू करने लगी थी जो मेरा काम है, क्योंकि काम भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मेरा अर्निंग सोर्स है। तो उसके बाद मैं फ्री हुई थी 10 बजे प्रव्या को सुला के, और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए डिनर बनाया और फिर मैं यहाँ पे नीचे बैठ के डिनर कर रही हूँ। और मैं जब भी खाना खाती हूँ तो नीचे बैठ के ही खाती हूँ। मुझे याद है कि मैं एक स्कूल की तरफ से टीचर कैंप में गई थी, तो वहाँ पे हमें खाना जो था नीचे बिठा के दिया जाता था, तो तभी से ये चीज़ मेरी हैबिट में आ गई है। तो तब से मैं जब भी खाना खाती हूँ तो ऐसे ही नीचे बैठ के खाती हूँ। और कुछ लोगों को मेरी ये आदत जो है वो गवारपना लगेगी, देसीपना लगेगी, लेकिन मुझे जिसमें खुशी मिलती है, जो काम मैं सोच लेती हूँ फिर मैं वही करती हूँ, और मैं जब तक ऐसे बैठ के खाना नहीं खाती तो मेरा पेट नहीं भरता। और भारतीय शास्त्रों के अनुसार अगर हम नीचे बैठ के खाना खाते हैं
तो अन्न की कभी कमी नहीं होती और दूसरा हमें कभी भी पेट संबंधी कोई भी बीमारियां नहीं होती हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।